एनर्जी कंजर्वेशन ये बताता है सम ऑफ पोटेंशियल काइनेटिक किसी भी दो पॉइंट्स पर सेम होगा। तो मैंने कहा ये तो स्टूडेंट कहता बहुत बढ़िया है, कहता है एक बक्से को उठा के वहाँ फेंक देते हैं, फ्रिक्शन प्रेजेंट है, बक्सा रुक गया वहाँ पे आके, यहाँ वेलोसिटी 10 थी वहाँ रुक गई, तो लगाओ एनर्जी कंजर्वेशन। मैंने कहा ना ना यहाँ नहीं लगेगी, क्योंकि पहले काइनेटिक एनर्जी है, बाद में तो काइनेटिक एनर्जी जीरो ही होगी, यहाँ नहीं लगेगी। जहाँ रेजिस्टिंग फोर्सेज हैं वहाँ एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लग सकती। एनर्जी कंजर्व का मतलब एक का ज़्यादा होना एनर्जी का और एक का कम होना। जहाँ फ्रिक्शनल फोर्सेज है वो आपका सिर्फ नुकसान ही करेगी एनर्जी का, वो डिसिपेट करती है, खराब करती है एनर्जी, इसलिए वहाँ एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगती। कहाँ लगती है? अगेंस्ट ग्रेविटी लगती है। ग्रेविटी के अगेंस्ट आप ऊपर नीचे कहीं पर भी आप ऑब्जेक्ट को ले आओ, ऐसे ले आओ पेंडुलम की तरह ले जाओ, बस आप हवा में ऊपर नीचे ऑब्जेक्ट को उड़ाओ, ऊपर से नीचे गिरो नीचे से ऊपर, एनर्जी कंजर्वेशन किसी पॉइंट पे लगती है, क्योंकि हम एयर की रेजिस्टेंस कंसिडर करते ही नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल सपोज आपको एग्जाम्पल नंबर वन में ये गिवन होगा कि आपके पास ना एक ऑब्जेक्ट है या पेंडुलम है, चलो इस पेंडुलम का बॉब यहां से यहां चला, तो इस और इसकी लेंथ 1 मीटर है, तो यहां से यहां में और ये यहां u = 0 से चला, v निकाल लो, हमने किया हुआ है क्वेश्चन। हम क्या करते हैं, अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे हैं, देखो ग्रेविटी के अगेंस्ट किसी भी दो पोजीशन पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। तो अगर मैं ग्राउंड मान लेता हूं इसे, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0, और काइनेटिक क्या हो जाएगी, 1/2 mv², और यहां पोटेंशियल क्या हो जाएगी, mg * लेंथ, और काइनेटिक क्या, 0। तो अगर मैं इन्हें इक्वेट करूं तो m से m कैंसिल, v की वैल्यू आंसर। तो पहला तरीका क्लियर है, ये ऑलरेडी हमने सर्कुलर में किया हुआ है, और सर्कुलर में हॉरिजॉन्टल में कभी एनर्जी कंजर्वेशन लगाता ही नहीं, मैं किस में लगाता हूं ना, वर्टिकल सर्कल में हमेशा, क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी जाते हैं। तो अगेंस्ट ग्रेविटी कोई भी ऊपर नीचे ऑब्जेक्ट आता है, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल विल रिमेन सेम। क्लियर है यहां तक? लेकिन अगर सपोज करो यही पेंडुलम है, और सपोज ये जो मास m बॉब का 1 kg का मास है वो यहां पे आ गया, वेलोसिटी आपको निकालनी है, 1 मीटर की इसमें लेंथ है, 1 मीटर की लेंथ है, आपको बताना है कि जब ये बॉब यहां से यहां आया, क्वेश्चन में गिवन है इसकी 5% ऑफ एनर्जी एयर की रेजिस्टेंस से लॉस हो गई, अब वेलोसिटी निकालो क्या होगी। अब इसके पास यहां पर एनर्जी थी कितनी, पोटेंशियल एंड काइनेटिक का सम, पोटेंशियल क्या होगी, एम जी इंटू लेंथ 1, काइनेटिक क्या होगी इसमें, 0, ठीक है, काइनेटिक 0। यहां पे एनर्जी क्या होगी, 1/2 mv², पोटेंशियल क्या होगी, अब मैं ना इन्हें इक्वल नहीं कर सकता, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि हवा की रेजिस्टेंस है और 5% एनर्जी का लॉस है। तो जब ये यहां से चली थी तो एनर्जी थी कितनी, एम जी इंटू 1, 5% लॉस कर दो, एम जी इंटू 1 का 5% इतना हुआ, तो बची कितनी, माइनस करके वो एनर्जी आपको नीचे दिखेगी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एंड वी कैन बी कैलकुलेटेड। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे सोच रहे हैं, अगर एयर की रेजिस्टेंस नहीं है फिर तो बात ही खत्म, अगर एयर की रेजिस्टेंस है तो जितनी एनर्जी टोटल थी नीचे आते 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 एनर्जी का क्या हो गया, लॉस हो गया, लॉस होते होते जो बची वो उसको दे दो, ठीक है यहां तक। जैसे सपोज करो ये एक एक पहाड़ है कुछ ऐसे, ये लो, तो एक बॉडी और ये ग्राउंड है, ये कुछ भी ऐसी चीज है, एक पाथ है, एक बॉडी चलती है, ये मान लो जो हाइट है ये मान लो 10 मीटर है, ठीक, यहां पे ये ऑब्जेक्ट आता है, ये ऑब्जेक्ट यहां से चलता है, यू इज इक्वल टू 0, ये ऑब्जेक्ट यहां पे आता है तो इसकी हाइट कितनी है, 2 मीटर, आपको बताने के वेलोसिटी वी क्या होगी। तो अगेन अगेंस्ट ग्रेविटी चल रही है बॉडी, तो सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक सेम, तो यहां पर पोटेंशियल कितनी है, एम जी 10, काइनेटिक क्या है, 0, यहां पर पोटेंशियल क्या है, एम जी इंटू हाइट, काइनेटिक क्या है, 1/2 mv इक्वल, वी कैन बी कैलकुलेटेड। क्लियर है यहां तक? और इसमें आपको जो असाइनमेंट दूंगा सॉल्व करने के, इस असाइनमेंट के क्वेश्चन हैं, आपको हेल्प करूंगा, मतलब हिंट दे रहा हूं, तो नेक्स्ट टाइम नहीं होंगे तो सॉल्व करवा दूंगा। वो ये कहेगा कि एक हमने एक ऑब्जेक्ट को लिया और हमने 10 जूल का वर्क डन किया, उस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट किया मैंने और ऊपर ले गया, तो बताओ एक्सेलरेशन कितनी थी उसको ऊपर लेके जाने की। देखो जब हमने कुछ वर्क उसको एनर्जी दी 10 जूल की,
और ऑब्जेक्ट ऊपर गया तो एक्चुअल में क्या हुआ, m इंटू जी इंटू एच हाइट पर ऊपर गया, पर एच हाइट तक जो मैंने वर्क डन किया, इतना वर्क डन किया, उसको एक्सलरेट करवाया मैंने। तो जब भी मैं एक्सलरेशन की बात करता हूं, एक्सलरेट करवाया ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, तो आपने जी प्लस ए इंटू एच लगाना है। अगर कोई ऐसा हिंट दे रहा हूं, एक ऑब्जेक्ट को आप ऊपर एक्सलरेट करवाने, लिफ्ट की तरह, आपका हाथ एक लिफ्ट है तो लिफ्ट की तरह ऊपर लेके जा रहे हैं, तो उसकी एनर्जी एम जी एच नहीं है, एम इंटू जी प्लस ए इंटू एच है। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट लगेगा जो आपको मैं होमवर्क दूंगा, उसमें आपको करना है, ठीक। और आपकी बुक्स में याद रखना एनर्जी कंजर्वेशन कैसे गिवन होती है, किन्हीं भी दो पॉइंट पर हम जो करते हैं वो ऐसा करते हैं, किन्हीं भी दो पॉइंट पर सम ऑफ पोटेंशियल का, सम एनर्जी काइनेटिक पोटेंशियल का सेम करते हैं। हमने सारे क्वेश्चन में यही किया। आपकी बुक्स ऐसे करती हैं, काइनेटिक एनर्जी 2, पोटेंशियल एनर्जी 1, पोटेंशियल एनर्जी 2 इक्वल टू 0। तो इसको लिखती हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन, ये देखो, तो आज के बाद ये लिखें या ये लिखें, बात एक ही है। न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव बुक्स ये लिखती हैं एनर्जी कंजर्वेशन। मैं अपनी असाइनमेंट सारी ऐसे ही सॉल्व करता हूं, मेरे को 1 और 2 पॉइंट ज्यादा ठीक लगते हैं, तो 1 पे अलग निकालूंगा, 2 पे अलग निकालूंगा, इक्वेट कर दूंगा, आंसर आएगा। अब जैसे मर्जी करें।